हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का। गाइस, आज का टॉपिक है कि हमारे जेट प्लांट के लीफ गिरते क्यों हैं और ज़्यादा केयर नहीं करें तो वो मर भी जाते हैं। लीफ तो गिराते हैं लेकिन वो मर भी जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? तो बस इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट प्लीज़, क्योंकि कमेंट करने से पता चलता है कि वीडियो को आपको कितनी जानकारी मिली और आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे जेट प्लांट, ये एक ही प्लांटर है तो बड़ा प्लांटर, बट एक ही है ये। इसमें देखिए कितने सारे लगे हुए हैं एक साथ, जो कि मैंने बहुत छोटे छोटे लगाए थे। ये छोटे छोटे लगाए थे मैंने काफ़ी दिन पहले, एक 5-6 महीने पहले लगाए थे मैंने ये बहुत छोटे छोटे। तो ये देखिए कैसे कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी ऐसी ही ग्रोथ हो और लीफ नहीं गिरे, और तो मुझे फॉलो करिए प्लीज़। तो देखिए और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, आज मैं यही बताने वाली हूँ कि लीफ क्यों गिरते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है, ये अफ्रीका का जो फॉरेस्ट है वहाँ का प्लांट है ये। अब इसको क्या चाहिए, धूप बहुत चाहिए, फुल धूप होना है इसको। अगर आप धूप नहीं देते हैं तो ये रहेगा तो पत्ते झड़ा देता है, फिर कभी कभी तो मर भी जाता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो धूप भी चाहिए, ऊपर से अगर आप पानी इसको फुल देंगे, बहुत ज़्यादा देंगे, तो ये आपके पास बिल्कुल नहीं चलेगा और डेड हो जाएगा। तो आप कम से कम मिनिमम 5-6 घंटे की धूप ज़रूर दें इसको। और अगर आप, वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप घर में रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। कितने दिन के लिए, मिनिमम 8 डेज, ओनली 8 दिन के लिए। इससे ज़्यादा आप अंदर ना रखें, क्योंकि अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं तो मैं पहले कई बार बोल चुकी हूँ कि ये डेकोरेटेड प्लांट है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए मैंने बॉन्साई बनाया है, ये मम्मल बॉन्साई है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, और ये मैं साइकिल पे लगा रखा है मैंने। कितने सारे देखिए, ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। अगर आप इसका थोड़ा सा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी केयर करते हैं तो आपके पास ये बहुत अच्छे से चलेगा और हमेशा रहेगा ये प्लांट आपके पास। तो बस इस, और पानी इसको भर के मत नहीं देना चाहिए बहुत, एक बार अगर दे दिया आपने तो फिर से देखना चाहिए कि अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप रोज़ देना चाहिए आपको पानी। अगर मिट्टी ज़्यादा है, बड़ा है आपका गमला, तो हमें लगता कम से कम नहीं तो 3-4 दिन में पानी देना चाहिए आप। ओके फ्रेंड्स, बस। और अगर पानी, अगर आप सही, सबसे मेन है सोयल आपकी। अगर सोयल आपकी वेल ड्रेन नहीं है, तो वेल ड्रेन सोयल नहीं है अगर आपकी, तो ज़्यादा आपका रूट जकड़ लेगी मिट्टी को, रूट को जकड़ लेगी वो मिट्टी जो वेल ड्रेन नहीं है, तो जकड़ लेगी वो और रूट ख़राब हो जाएगी। जब रूट ख़राब हो जाएगी तो प्लांट आपका डेड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप फर्स्ट उसको वेल ड्रेन सॉइल दीजिए प्लांट को। वेल ड्रेन सॉइल देंगे और पानी का ख्याल रखेंगे और धूप का ख्याल रखेंगे। तो इसी तरह से ये आपके, मैं तो एक्स्ट्रा देती हूँ खाद वगैरह, लेकिन खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप वेल ड्रेन सॉइल रखेंगे और धूप देंगे उसको 5-6 घंटे की, और पानी का ख्याल रखेंगे। अगर आपके पास गमला अगर छोटा है
तो रोज़ पानी दीजिए, अगर बड़ा है तो रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड, ये तीन बातों का आप ध्यान रखेंगे, पानी, सॉइल, धूप, क्योंकि इसको फोटो जब मतलब धूप आती है तो ये लीफ इसके फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब तभी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये रूट को एनर्जी, रूट को, ट्रंक को एनर्जी नहीं दे पाएंगे और हमारा प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसको धूप दीजिए आप, इसको बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, आप धूप दीजिए और वेल ड्रेन सॉइल रखिए और पानी का ख्याल रखिए। इन तीन बातों का ख्याल रखेंगे आप तो आपको ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तीन महीने में एक बार भी खाद देंगे इसमें तो भी चलेगा। ओके फ्रेंड्स, और वो लिक्विड खाद अगर देते रहेंगे आप हर हफ्ते, वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास सरसों खली और काउडंग मतलब इजीली मिल जाता है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ नो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।